और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, बीएसपी के नेता ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि पुलिस के ऊपर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बहुजन समाज पार्टी के नेता देशराज सक्रवाल ने ये आरोप लगाया है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर पुलिस ने उनके साथ बदसुलूकी की, अमानवीय व्यवहार किया, उन्हें अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब आपको बता दें कि बीएसपी नेता देशराज सक्रवाल ने इसकी एससी आयोग से शिकायत की है कि मामले में पुलिस पर कार्रवाई की जाए। राजस्थान विश्वविद्यालय की गेट की ये घटना बताई जा रही है। इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं देशराज सक्रवाल, अब आपको सुनवाते हैं। देशराज सक्रवाल हूँ, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। इसके अलावा मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र रहा हूँ। इस वजह से मैं विश्वविद्यालय में मेरी डिग्री लेने के लिए जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद में पुलिस वालों ने मेरे साथ में ज्यादती और बुरा व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया। उन्हीं में से कहा कि एंट्री नहीं होगी, तो मैं मेरी गाड़ी बैक कर रहा था। बैक करने से पहले ही उन्होंने मेरे साथ में खींचातानी स्टार्ट कर दी और घसीट कर बाहर लाए और जातिगत टिप्पणियां की, क्योंकि मेरी गाड़ी में बसपा का फ्लैग लगा हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि ये उसी समुदाय से आता है, दलित समुदाय से आता है। उसके बाद में उन्होंने ताड़ना स्टार्ट कर दी और 151 और 107 में मुकदमा बनाकर बंद कर दिया।